मस्तिष्क संबंधी जितने भी बीमारियां हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, यहां तक मैंने कई पेशेंट पर मोटापा में ये मुद्रा उनको करवाए तो उनका मोटापा भी कम हुआ है, तो ये मुद्रा बहुत अच्छी है। जिनको माइग्रेन, हम बोलते हैं आधा सीसी दर्द, आधा सिर का जो दर्द होता है ये मुद्रा करने से ठीक हो जाता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जो मेंटली डिस्टर्ब है, मानसिक तनाव से ग्रस्त है, तो यह मुद्रा करने से नींद अच्छी आने लगती है और स्लीपिंग डोज लेने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया बड़ी अजब गजब की है, एक और लोगों को नींद के लिए गोलियां लेनी पड़ती है, दूसरी तरफ कुंभकर्ण की तरह 10-11 बजे सोने वालों की भी कमी नहीं है, तो उन दोनों के लिए ये अच्छी है, उनका नींद का संतुलन बनाती है। नींद नहीं आती है तो आएगी, और बहुत ज़्यादा आएगी तो भी संतुलन हो जाएगा। अब जिनको माइग्रेन का दर्द है तो इस मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा थर्ड फिंगर और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, इसे प्राण मुद्रा कहते हैं। दोनों मुद्रा साथ में करने से आपको माइग्रेन की तकलीफ इससे दूर हो जाती है। तो एक मुद्रा से कितना फायदा, जिन भाई बहनों का ध्यान में मन नहीं लगता है तो ये मुद्रा करने से एकाग्रता बढ़ती है। जैसे अभी आप टच किया है तो आपको फीलिंग्स आ रही होगी या नाड़ी का स्पंदन हो रहा होगा, आपको आपको दिख रहा होगा जैसे हृदय धड़कता है, वैसे यहाँ पर भी नाड़ी का स्पंदन होता है, तो इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। बहुत से बच्चे मेंटली रिटायर्ड होते हैं, 15 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे जैसा एक्शन करता है, मेंटली वह उसका कम विकसित होता है, माइंड से कम विकसित होता है, जिनको हम हमारी भाषा में बोलते हैं बच्चा बहुत भोला है, उन बच्चों के लिए मुद्रा रामबाण है। यदि वो बच्चा नहीं कर पाता है तो ऐसे मुद्रा करके माइक्रो टेप लगा दीजिए रात को सोते समय, और इसमें ज्ञान मुद्रा में कोई समय की सीमा नहीं है, कितने भी कर सकते हैं, 2 घंटा 4 घंटा, इसमें कोई मर्यादा नहीं, इसमें करने से कोई नुकसान नहीं होता है, तो मेंटली रिटायर्ड बच्चों के लिए अच्छी है। जो बच्चे बहुत चंचल होते हैं, जिनमें गलत आदतों का निर्माण होता है, झूठ बोलना, चोरी करना, कई बच्चे ऐसे होते हैं ठिगने रह जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं तार की तरह लंबे हो जाते हैं, पिच्यूटरी और पीनल के स्राव संतुलित नहीं होने से, तो ये मुद्रा करने से एक्यूप्रेशर के अनुसार अंगूठे में पीनियल और पिच्यूटरी का स्थान आया हुआ है वो दबता है तो उसके स्राव संतुलित हो जाते हैं। तो ज्ञान मुद्रा बेहतरीन है, और भी इससे कई लाभ होते हैं जो ध्यान में विशेष तौर पर करवाई जाती है।